औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आज मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ। बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद वाला वजीफा है। आपने वजीफा आपके साथ इसलिए पेश किया जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है या आपसे कोई रूठ गया है, नाराज हो गया है, या किसी से चाहत रखते हैं या मोहब्बत रखते हैं लेकिन वो बहन भाई आपके पास नहीं आ सकता, तो ये उस नायाब वजीफे को करके आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। एक नंबर एक, इस वजीफे का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप इस वजीफे का गलत इस्तेमाल करते हो तो फिर इसके आप खुद जो है जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लाजमन कीजिएगा तो फिर इसका फैज आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आपने करना क्या है, जुम्मे वाले दिन करना क्या है, जुम्मे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। जुम्मे की नमाज आप पढ़ लीजिएगा, नमाज पढ़ के जब आप आएंगे तब आपने ये जो सूरह है ये पढ़नी है। और एक अगर आपकी फैमिली में कोई है, यानी कि आपका कोई बेटा है या बेटी है, या कोई अगर आपका शोहर नाराज है खवातीन के लिए है, और अगर भाई के लिए कोई अगर उसकी बीवी नाराज है या कोई ऐसा मसला है, तो सूरह कुरैश लिख कर आप कागज जो सा है उसके तकिए में रखते, या फिर आप तकिए पे दम करते ताकि वो तकिए पर सो सके। तो इंशाल्लाह जैसे ही सोएगा उसके जेन से आपके लिए जितनी भी खराबी और जितना भी इस किस्म का मसला होगा वो तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा अल्लाह पाक। ये अमल लाजमन कीजिएगा, बहुत नायाब अमल है, एक दफा जरूर करके देखिएगा। अगर आपका कोई चाहने वाला नाराज है या वो परेशान है, तो जुमे की नमाज के बाद अगर आप उसको कोई तोहफा भेज सकते हो या उसको तोहफा वो मिल सकता है, तो फिर आपने वो तोहफा आप उसको भेजो। सबसे पहले उसके ऊपर सूरह कुरैश जो जिस तरह हमने बताया है वैसे आप पढ़कर उसके ऊपर दम करो और फिर उसको वो तोहफा भेजो, तो इंशाल्लाह वो जरूर जैसा आप चाहोगे वैसा ही वो आपके साथ रवैया अख्तियार करेगा और फौरन आपके पास हाजिर होकर आपसे माजरत और मलामत करेगा। ये बहुत नया वजीफा, इसकी कदर कीजिएगा। और अगर आपको और कोई मसला है, परेशानी है, तो जरूर शेयर करें, लाजमन शेयर करें। ईमेल डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहां पर आप जाएं और ईमेल हासिल कर सकते हैं। नंबर दो, अगर आपको कोई मसला परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जरूर मदद और रहनुमाई की जाएगी। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।